पुलिस ते बदमाशां दे विचकार मुठभेड़ हुई है ते इस मुठभेड़ दे दौरान कहा जा रहा है कि तीन बदमाशां नूं पुलिस दे वल्लों काबू कीता गया है। तां मामला तुहानूं दस दईए कि सोनीपत तों सामने आया जिथे कि एक हलवाई दे कोलों दी बदमाशां दे वल्लों पहलां तां रंगदारी मंगी जाती है पर जदों उस हलवाई दे वल्लों पैसे नहीं दिते जांदे तां उसदी दुकान दे बाहर दिन दिहाड़े फायरिंग करवा दी जाती है, जिस तों बाद उस हलवाई वल्लों इसकी शिकायत पुलिस नूं दित्ती गई सी। पुलिस दे वल्लों जांच करदे होए जदों देर रात नूं सड़क ते नाका लगाया गया तां सामने तों एक कार आउंदी दिखी, उस नूं रुकण दा इशारा कीता तां कार सवारां ने पुलिस दे उत्ते फायरिंग कर दित्ती। तां पुलिस दे वल्लों जवाबी फायरिंग करदे होए तीन बदमाशां नूं कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया। इन्हां दे इशारियां दे उत्ते ही हलवाई दे कोलों ती रंगदारी मंगी गई सी, करोड़ां रुपए की रंगदारी मंगण दे इन्हां दे उत्ते इल्जाम ने ते इन्हां दे उत्ते ही इल्जाम लगे ने कि इन्हां ने अगे अपने किसी साथी तो उस हलवाई दे उत्ते फायरिंग करवाई है। तो मामला सोनीपत तो सामने आया जिथे कि एसटीएफ दे वल्लों वड्डी कार्रवाई करदे होए रंगदारी मंगण वाले तीन बदमाशां नूं काबू कीता ते इन्हां दे कोलों ती पिस्टल भी बरामद होए ने। हालांकि जवाबी फायरिंग च दो बदमाश गंभीर रूप नाल जख्मी होए ने ते उन्हां नूं इलाज दे लई हस्पताल दे विच दाखल करवाया गया। ये हमारी एसटीएफ की टीम जो गोहाना में वारदात हुई थी उसकी तलाश में जो ना इधर खरखोदा थाने से इधर अपना वो इसकी इन्फॉर्मेशन थी और एसटीएफ टीम जो ही आती हुई दिखाई दी तो तीन बदमाश थे जो एसटीएफ की टीम पर फायर किए हैं और 8-9 फायर हुए हैं। मौके पे फायर के खोल भी में मिले हैं और बाकी अभी मौके पे आए हैं, विजिट किया है और जो भी आगे सिचुएशन होगी वो आपको बाद में बताई जाएगी और फुल इसके बारे में जो है वो एसटीएफ बता सकती है। बरामद भी हुआ है सर कोई? हाँ, एसटीएफ से एसटीएफ बता रही है कि भाई बरामद हुआ है, ये पिस्टल मिले हैं और बाकी सारा एसटीएफ बताएगी भी कौन कहाँ से कैसे पीछे लगे थे, ये कैसी क्या प्राथमिक जाँच में। हाँ, ये अभी ये है, एक तो साजिद है और एक जतिन है और एक सौरभ है, ये तीन अक्यूज हैं। सर गोली भी लगी है क्या किसी बदमाश को? हाँ, अभी हॉस्पिटल में है, वो अंडर ट्रीटमेंट है, अभी आपको बताएंगे बाद में बता देंगे जो भी सिचुएशन होगी। पुलिस ते बदमाशां दे विचकार मुठभेड़ हुई है ते इस मुठभेड़ दे दौरान कहा जा रहा है कि तीन बदमाशां नूं पुलिस दे वल्लों काबू कीता गया है। तां मामला तुहानूं दस दईए कि सोनीपत तो सामने आया जिथे कि एक हलवाई दे कोलों दी बदमाशां दे वल्लों पहलां तां रंगदारी मंगी जाती है पर जदों उस हलवाई दे वल्लों पैसे नहीं दिते जांदे तां उसदी दुकान दे बाहर दिन दिहाड़े फायरिंग करवा दी जाती है, जिस तों बाद उस हलवाई वल्लों इसकी शिकायत पुलिस नूं दित्ती गई सी। पुलिस दे वल्लों जांच करदे होए जदों देर रात नूं सड़क ते नाका लगाया गया तां सामने तों एक कार आउंदी दिखी, उस नूं रुकण दा इशारा कीता तां कार सवारां ने पुलिस दे उत्ते फायरिंग कर दित्ती। तां पुलिस दे वल्लों जवाबी फायरिंग करदे होए तीन बदमाशां नूं कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया। इन्हां दे इशारियां दे उत्ते ही हलवाई दे कोलों ती रंगदारी मंगी गई सी, करोड़ां रुपए की रंगदारी मंगण दे इन्हां दे उत्ते इल्जाम ने ते इन्हां दे उत्ते ही इल्जाम लगे ने कि इन्हां ने अगे अपने किसी साथी तो उस हलवाई दे उत्ते फायरिंग करवाई है। तां मामला सोनीपत तो सामने आया जिथे कि एसटीएफ दे वल्लों वड्डी कार्रवाई करदे होए रंगदारी मंगण वाले तीन बदमाशां नूं काबू कीता ते इन्हां दे कोलों ती पिस्टल भी बरामद होए ने। हालांकि जवाबी फायरिंग च दो बदमाश गंभीर रूप नाल जख्मी होए ने ते उन्हां नूं इलाज दे लई हस्पताल दे विच दाखल करवाया गया। ये हमारी एसटीएफ की टीम जो गोहाना में वारदात हुई थी उसकी तलाश में जो ना इधर खरखोदा थाने से इधर अपना वो इसकी इन्फॉर्मेशन थी और एसटीएफ टीम जो ही आती हुई दिखाई दी तो तीन बदमाश थे जो एसटीएफ की टीम पर फायर किए हैं और 8-9 फायर हुए हैं। मौके पे फायर के खोल भी में मिले हैं और बाकी अभी मौके पे आए हैं, विजिट किया है और जो भी आगे सिचुएशन होगी वो आपको बाद में बताई जाएगी और फुल इसके बारे में जो है वो एसटीएफ बता सकती है। बरामद भी हुआ है सर कोई? हाँ, एसटीएफ बता रही है कि भाई बरामद हुआ है, ये पिस्टल मिले हैं और बाकी सारा एसटीएफ बताएगी भी कौन कहाँ से कैसे पीछे लगे थे, ये कैसी प्राथमिक जाँच में। हाँ, ये अभी ये है, एक तो साजिद है और एक जतिन है और एक सौरभ है, ये तीन अक्यूज हैं। सर गोली भी लगी है क्या किसी बदमाश को? हाँ, अभी हॉस्पिटल में है, वो अंडर ट्रीटमेंट है, अभी आपको बताएंगे बाद में बता देंगे जो भी सिचुएशन होगी।